दिस इज विकास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप सबको सिखाने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राफ्ट, जो कि मैं यूज़ करने वाला, जिसमें एक पुराने फटे जूते जो कि मेरे खुद के हैं, जो मुझे घर पे मिला। तो ऐसे बहुत सारे पुराने फटे जूते आपके भी होंगे जिसे आप यूज़ करके बना सकते हैं एक इंटरेस्टिंग क्राफ्ट। तो चलिए, इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना यार। उससे क्या होगा ना कि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अपना वही पुराना फटा हुआ शूज़ जो मुझे मिला है, और काफ़ी गंदा लग रहा है ये देखने में, तो थोड़ा सा मुझे लगता है इसे क्लीन करने की ज़रूरत है। तो चलिए पानी से इसे थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करने के बाद ये लगभग ऐसा दिख रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। चलिए इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं धूप में, तब तक मैं बाकी मटेरियल्स के बारे में आप सबको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये कंटेनर, फ्रेश वाटर, वाइट ग्लू, कुछ टॉयलेट पेपर्स, टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़ पेपर, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक प्लास्टिक बॉटल, एक परमानेंट मार्कर, कुछ पेंट ब्रशेस, पुराने न्यूज़ पेपर्स, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नियॉन कलर्स। नियॉन कलर्स इसलिए ले रहा हूँ, ये ब्राइट कलर्स है। अगर आपके पास नियॉन कलर्स नहीं है कोई बात नहीं, आप नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ब्राइट कलर यूज़ कर सकते हैं। आप पोस्टर या वाटर कलर आप यूज़ नहीं करेंगे इसमें प्लीज़। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक कटर। तो चलिए, तब तक ये शूज़ सूख गया है तो जूते को अब हम रखते हैं एक सैंडबोर्ड के ऊपर, और यहाँ पे आप देखेंगे अंदर की तरफ जो खाली जगह है यहाँ पे मैं कुछ न्यूज़पेपर अंदर डालूंगा ताकि वो अंदर से पूरी तरह से मजबूत हो जाए। और चलिए मैं पुराने कुछ न्यूज़पेपर्स को फाड़ फाड़ के इसके अंदर डालता हूँ, बट ये डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है, इससे पहले मैं बॉल की तरह बनाऊँगा, क्रश करके इसे उसके अंदर डालना है कुछ इस तरह से। दो तीन चार जितने आपको रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से अपने हिसाब से इसे टाइटली इसे अंदर डालेंगे। फाइनली मैं एक बड़ा बॉल बना के यहाँ पे डालता हूँ, ये लगभग भर गया है। चलिए अब मैं यहाँ पे लूँगा एक प्लास्टिक बॉटल जो इसके यहाँ पे ये फिट करना है मुझे, तो मैं देख रहा हूँ कि इसका साइज़ बड़ा है तो इसे मुझे कट करना पड़ेगा। तो एक परमानेंट मार्कर ले लेता हूँ, और मुझे लगता है नीचे मैं इसे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दूसरे को भी मार्क करके इसे काट लेता हूँ। और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक कटर, पर ध्यान रखेंगे जब भी बच्चे इसका यूज़ करें नाइफ़ का कटर का, तो आप बड़ों की मदद ज़रूर ले लेंगे, और या फिर आप इसे सीजर से भी कट कर सकते हैं, बट बी केयरफुल। और चलिए मेरा ये बॉटल कट चुका है, ये कट के मेरा अलग हो गया। तो चलिए अब इसे हम यहाँ इसे फिट करते हैं जहाँ से फिट करना था, जूते के अंदर अच्छे से इसे फिट कर लें। चलिए फिट हो गया। अब नेक्स्ट हमें करना ये है, अब हम इसे एक तरफ रखते हैं और फिर लेते हैं कंटेनर, इस पर थोड़ा पानी डालते हैं, ये रखते थोड़ा कम है, चलिए थोड़ा और ले लेते हैं। और अब इसमें मिक्स करेंगे वाइट ग्लू, और इसे एक ब्रश की मदद से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। जब तक ये जैसे मिक्स ना हो जाए इस तरह से घुमाते जाए घुमाते जाए घुमाते जाए, और ये जब पूरी तरह से जब ये मिक्स हो जाए तो इसे छोड़ देते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ टॉयलेट पेपर, इसे हम फाड़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। थोड़ा और छोटा टुकड़ा कर लेते हैं इसे, इस तरह के बहुत सारे टिश्यूज आपको फाड़ने पड़ेंगे। और ग्लू का जो घोल मैंने बनाया इसे जूते के ऊपर अच्छे से लगाना है इसे, और इसके ऊपर ब्रश की मदद से इसे पूरी तरीके से इसे लगा दे। पूरे जूते को हमें इस टिश्यू पेपर से
कवर करना है, तो जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिख रहा है आपको उसे लगा लें, जहाँ आपको ट्रांसपेरेंट लगे वहाँ पे आप इसके ऊपर दूसरा लेयर भी लगा सकते हैं। ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पीछे नीचे का हिस्सा जो बच जाता है उसे अंदर की तरफ मोड़ के आप उससे ग्लू लगा देंगे तो चिपक जाएगा। अब चलिए इसे थोड़े साइड वाले हिस्से में मैं थोड़ा लगा देता हूँ ग्लू और लगा देता हूँ टिश्यू। साइड में भी मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा ट्रांसपेरेंट लग रहा था। इस तरीके से अच्छे से आप आराम से इसे पूरा पूरे जूते को आपको कवर करना है इसे। तो लगभग ये मेरा लग चुका है और ये लगने के बाद पूरी तरीके से देखो आप पूरा वाइट हो चुका है, मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट आपको पता है इसे सूखने के लिए हम धूप में रखेंगे, तो धूप में मैं इसे छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसे सूखने में, जब पूरी तरह अच्छे से सूखे मुझे 3 घंटे लगे इसे सुखाने में। तो ये सूख जाने के बाद एक अच्छा रफ टेक्सचर आपको मिलता है पेंट करने के लिए और वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये क्राफ्ट और बहुत मज़ा आएगा इसके ऊपर पेंट करना। तो चलिए अब इसे पेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपको लेना पड़ेगा एक पेंसिल, और पेंसिल से आप अपने जूते के हिसाब से उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे सारे आउटलाइंस डिज़ाइंस हम ड्रॉ करेंगे आपके जूते के ऊपर। टेक्सचर जैसा उभरेगा आप उस हिसाब से अपना ड्राइंग करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं इसमें बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो चलिए जैसा डिज़ाइन मेरे जूते में था मैं उसी तरीके से इसके ऊपर आउटलाइन चला रहा हूँ पेंसिल से। ये देखिए ध्यान से धीरे धीरे केयरफुली इसे आप अच्छे से आप आउटलाइन को चला लें। थोड़ा पीछे भी मैं इसे कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आउटलाइन करने के बाद आपका दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप समझ गए ये हो चुका है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या काम है जी हाँ, अब हम करेंगे इसे पेंट। तो पेंट करने के लिए जैसा मैंने दिखाया था आपको मैं यहाँ पे नियॉन कलर यूज़ कर रहा हूँ। नियॉन कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ब्राइट ब्राइट कलर्स इसमें हैं, दिखने में बहुत ब्राइट लगेगा, क्रिएटिव लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा ये। तो ये मेरे पास इतने कलर्स हैं, येलो ग्रीन ऑरेंज पर्पल पिंक, तो ऐसे बहुत सारे कलर हैं। तो अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो मार्केट में आपको ये फेविक्रिल का ये नियॉन कलर्स, इसमें 4 शेड्स हैं, ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। तो इसमें पिंक है, ग्रीन है, येलो है और ऑरेंज है, ये 4 कलर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो आप नॉर्मल एक्रेलिक कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे करते हैं पेंट, और इसके लिए मैं यहाँ पे ले लूँगा एक ब्रश। और चलिए सामने वाले हिस्से में सबसे पहले करते हैं, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ हरा करना, तो चलिए हरे रंग को लेते हैं और यहाँ पे अच्छे से धीरे धीरे केयरफुली आपको हर एक हिस्से को अलग अलग कलर से करना है। यहाँ पे मैं हरा कर रहा हूँ और ध्यान रहे कहीं भी वाइट ना छूट जाए, बहुत केयरफुली से आराम से आपको ग्रीन कलर करना है। आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हरा ले रहा हूँ। जूते के पीछे वाले डिजाइन पे भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हरा कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे हरा कर लेता हूँ।
और यहाँ जो सामने का हिस्सा है इसमें हम कर देते हैं थोड़ा लाइट ऑरेंज। हिंदी में नारंगी रंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कर दिया, बहुत ही प्यारा कलर है। और इसके पीछे जो डीप एरिया है ये, इस पर मैं सोच रहा हूँ ब्लू कर दूंगा तो अच्छा लगेगा, तो मैं यहाँ पे ब्लू ही कर रहा हूँ। तो नीला रंग मैंने कर दिया। अब यहाँ जो स्ट्रिप्स हैं इस पर मैं सोच रहा हूँ पिंक कर देता हूँ, पिंक यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो गुलाबी रंग मैंने इसके ऊपर कर दिया। अब इसी तरीके से जितने तीन स्ट्रिप्स हैं तीनों को मैं गुलाबी ही करूँगा। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज ले लेता हूँ। चलिए ऑरेंज पूरी तरह से मैं कर देता हूँ, थोड़ा वर्मिलियन टोन है ये, तो इस तरीके का लगेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा फिर से लाइट ऑरेंज कर देता हूँ। अभी दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही करूँगा। तो लगभग ऊपर का जितना भी हिस्सा ये पेंट हो गया है, काफ़ी ब्राइट लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी काम बाकी है। तो यहाँ पे मैं फेविकोल का वाइट कलर ले रहा हूँ, वाइट एक्रेलिक कलर। तो चलिए वाइट कहाँ यूज़ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो वाइट कलर को आप एक दूसरा ब्रश में ले लेता हूँ और वाइट से मैं इसके नीचे जो भी नीचे का हिस्सा है इसको पूरा मैं वाइट कर दूँगा पहले। क्योंकि पूरी तरह से वाइट हो जाए अब तो सामने भी आप कर देंगे। और जब पूरा वाइट हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन अब देखेंगे नीचे कुछ डिज़ाइंस भी हैं, तो कुछ डिज़ाइंस पे मैं सोच रहा हूँ ब्लैक कर देता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई। तो अभी यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ब्लैक कलर। कलर से के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा पतला ब्रश यूज करूंगा, 0 नंबर 1 नंबर पे भी ब्रश ले सकते हैं। और मैं बनाऊंगा आउटलाइन। यस, मैं जितने भी पेंट मैंने किया है उसके बीच में एक लाइन बनाऊंगा ब्लैक कलर से, ताकि ये दिखने में और क्रिएटिव लगे और प्यारा लगे। तो इस तरह से जब भी आप आउटलाइन करें बहुत ध्यान से धीरे धीरे करें, क्योंकि एक ब्लैक कलर है ये आपके क्राफ्ट को खराब भी कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे आप ब्लैक। चलिए पूरा मेरा हो चुका है ब्लैक आउटलाइन। अब नीचे ये मैं थोड़ा कर देता हूँ आउटलाइन, और इस तरीके से मैंने कर दिया, तो दिखने में काफी मजेदार लग रहा है। चलिए नीचे जो डिजाइन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे मैं उसे अभी पेंट कर रहा हूँ।
ये पैटर्न जो है, जो डिज़ाइन है, डिपेंड करता है आपके जूते के ऊपर। तो मेरे में ये डिज़ाइन था, मैंने उस पर किया। और यहाँ पे स्टिचिंग वाला जो होता है ना टेक्सचर, वो मैं डाल रहा हूँ इफेक्ट। अभी ये देखने में और भी अच्छा लगेगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये लगभग मेरा पूरा हो गया है। यहाँ पे मैं एक लोगो डाल देता हूँ ताकि ये और अच्छा लगे देखने में, और एक लोगो मैं अभी इसके पीछे भी डाल दूंगा। तो ये जूता लगभग हमारा डेकोरेट होकर तैयार है। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया।